सो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजाज की पल्सर 150 के बारे में। इन डिटेल वीडियो होने वाली है, सब कुछ बात करेंगे बजाज की पल्सर 150 के बारे में। यहाँ तीन कलर बहुत ही बढ़िया मुझे लग रहे हैं, वाइट, ब्लू एंड यहाँ पर मरून कलर है। एंड और भी यहाँ पर बाइक्स है बजाज पल्सर 150, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक ये है एंड ये है बजाज पल्सर 150। इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं, ड्रम आता है, डिस्क आता है, डबल डिस्क आता है, नियॉन आता है। तो जो बजाज की पल्सर 150 है वो जो स्टार्ट होती है, जो उसकी स्टार्टिंग ऑन रोड प्राइस है लगभग 1,14,800 रुपीज़ से स्टार्ट होती है ऑन रोड और जाती है लगभग 1,27,081 रुपीज़ तक। सो गाइस पूरी वीडियो आज इन्हीं बाइक्स के बारे में होने वाली है, बात करने वाले हैं सब चीज़ों के बारे में। अगर मैं आपको बताऊं लुक्स के बारे में तो काफ़ी टाइम से चलते आ रहे हैं, डेफिनेटली जो ये तीन पेंट स्कीम्स आई हैं इस बार बहुत ही बढ़िया पेंट स्कीम आई हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती हैं ये तीनों कलर हैं। मुझे पर्सनली ब्लू वाला कलर सबसे बढ़िया लगता है, सबसे अच्छे लुक्स के साथ आता है ये ब्लू वाला कलर। एंड थोड़ा बहुत अगर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं तो इसके पावर के बारे में बात करें तो 149.5 सीसी का इंजन आता है इसका, जो पावर पंप आउट करता है यहाँ पर 13.6 ब्रेक हॉर्स पावर और 13.25 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। लगभग यहाँ पर 15 लीटर का आपको फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, 50 किलोमीटर पर लीटर का शानदार माइलेज देखने को मिलता है इस बाइक की अगर बात करी जाए। अगर फ्रंट ब्रेक की बात करूँ यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है और इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट आते हैं जिसमें जो रियर ब्रेक आता है वो ड्रम ब्रेक भी आता है और डिस्क ब्रेक भी आता है, मतलब डबल डिस्क भी आता है इस बाइक में और सिंगल डिस्क ब्रेक वाला भी आता है। सो गाइस बाइक जो है लुकिंग में डिसेंट आती है, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी है। एंड यहाँ पर आगे थोड़ा मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर जैसा फिनिश देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जो हेलोजन हेडलाइट क्लस्टर देखने को मिलेगा, टोटल बल्ब इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं आपको बात एक बार दिखाऊँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पर पहले जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है ऐसे कोई चेंज हुआ नहीं है, बट हाँ पेंट स्कीम कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बेटर हो चुकी है अब अगर बात की जाए। इसमें रियर में डुअल सस्पेंशन सेटअप आता है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, दोनों तरफ एक एक सस्पेंशन सेटअप है। एंड ये डबल डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट आप देख सकते हैं, यहाँ पर रियर में भी डिस्क ब्रेक है एंड फ्रंट में भी यहाँ पर आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा इस बाइक के अंदर। सो ये डुअल डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट है। बात करी जाए पल्सर 150 के बारे में तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट सेलिंग बाइक्स इन 150 सीसी कम्यूटर बाइक सेगमेंट इन इंडिया एंड डेफिनेटली काफ़ी सारे इसके कम्पिटिटर्स जैसे कि होंडा सीबी, यूनिकॉर्न 150, हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स एंड अपाचे आरटीआर 160 4V, वो भी एक इसका कंपैरिजन है। एंड डेफिनेटली पल्सर 160 जो है इसकी सर्विस कॉस्ट बहुत कम है, बहुत ही एक पॉकेट फ्रेंडली सर्विस कॉस्ट है, माइलेज डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलता है यहाँ पर बाइक के अंदर। एंड जो आपको ओवरऑल एक पैकेज देखने को मिलता है वो बहुत ही बढ़िया है। अगर यहाँ बात करी जाए टायर्स की तो यहाँ पर आपको 120x80 सेक्शन का टायर देखने को मिलता है, 17 इंचेस के यहाँ पर आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं इस पूरी बाइक के अंदर। एंड डेफिनेटली जो फ्रंट डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 280 mm एंड जो रियर डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 230 mm, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर रियर डिस्क ब्रेक है। एंड ओवरऑल जो सिटिंग कम्फर्ट है उसकी बारे में बात करूँ तो बहुत ही अच्छा है, जो एरिया है सीट्स का वो बहुत बढ़िया है बोथ फॉर द राइडर एंड द पिलियन। ये एक स्प्लिट सीट सेगमेंट के साथ आती है, जो रियर सीट है उसमें स्पेस बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा, कंफर्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। हैंडल बार्स की अगर पोजीशनिंग की बात करें तो बहुत अच्छा है, क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, कंफर्टेबल है, बटन्स की क्वालिटी डेफिनेटली काफ़ी डिसेंट कर दी है पहले से अगर कंपेयर करा जाए। एंड ओवरऑल जो यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा है ये आपको पहले जैसे कुछ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर की देखने को मिलेगी बाइक की अगर बात करी जाए। एंड काफ़ी बढ़िया यहाँ पर कलर्स देखने को मिलेंगे, कलर्स मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे यहाँ पर जो आपको पल्सर 150 के अंदर देखने को मिल रहे हैं। एंड यहाँ पर एक और है 150, यहाँ पर रेड से पल्सर लिखा है। एंड बहुत ही डिसेंट पेंट स्कीम आती हैं, ये वाली थोड़ी सी बढ़िया, एक थोड़ी सी मॉडर्न पेंट स्कीम है। एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं पल्सर का डिज़ाइन यहाँ चेंज करना चाहिए, काफ़ी टाइम से सेम आ रहा है। एंड डेफिनेटली पल्सर 150 ले लो, पल्सर 125 ले लो, पल्सर 180 ले लो, तीनों का डिज़ाइन जो है ओवरऑल बाहर से सेम ही हमें देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल दूर से अगर हम देखें बाइक को तो पहचानना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी बाइक कौन सा डिज़ाइन के साथ आती है, बिकॉज सबका डिज़ाइन लगभग लगभग सेम है, कुछ भी इतना चेंज नहीं है डिज़ाइनिंग के बारे में बात की जाए। पल्सर 150 डेफिनेटली आप ले सकते हैं अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, सिंपल अगर आपको ऑफिस जाना है, अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी एक सिंपल बाइक चाहिए तो आप ले सकते हैं। टोटल 7 कलर के अंदर आती है पल्सर 150 की अगर बात की जाए। एंड डेफिनेटली इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेल्स है पल्सर 150 के अंदर अगर 150 बाइक सेगमेंट के बारे में बात की जाए। एंड यहाँ पर जो आपको सस्पेंशन सेटअप देखने को मिलेगा वो गांव वगैरह के हिसाब से भी ठीक है, शहर के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा है, आपको शहर में से कोई तकलीफ नहीं आएगी। जो यहाँ पर आपको टायर देखने को मिलेंगे वो भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के यहाँ देखने को मिलेंगे, आप देख सकते हैं। ओवरऑल टायर की अगर बात करूँ तो फ्रंट टायर है 90x90 सेक्शन का 17 इंचज़ का एंड रियर टायर सेक्शन मैंने आपको पहले बता ही दिया।
यहाँ पर जो ओवरऑल टायर में ट्रेड्स हैं वो भी काफ़ी डिसेंट है, मतलब रेनी सीजन में ये टायर्स काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म करते हैं, आपको स्लिप होने से बचाते हैं। एंड ओवरऑल क्वालिटी जो बाइक है वो ठीक है, प्राइस के हिसाब से कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए पल्सर की अगर बात कही जाए। सो गाइस आज की वीडियो थी ऑल अबाउट द पल्सर 150। मैंने आपको सब कुछ बताया, कितना माइलेज है, कैसा कंफर्ट है बाइक के अंदर, एंड डेफिनेटली आपको कब लेनी चाहिए ये बाइक। सो गाइस दैट वाज जस्ट ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, उस लाल कलर के प्यार से बटन को तोड़ मोड़ फोड़ो जो करने का जाना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर मेकिंग पार्ट ऑफ इट, सी यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक, टिल देन बी हैप्पी एंड राइड सेफ, बाय बाय।